जिस ज़माना बदला है, माँ और बेटी का जो रिश्ता है वो भी बदल रहा है, तो आप अपने अनुभव से, बिकॉज यू आर वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन, बहुत सारे मतलब जगह घूमी आप, दिखती भी है, और आपकी फ़िलोसॉफी भी बहुत उसी तरह अलग है, तो आप माँ और जो बेटी का जो रिश्ता है जो पीरियड वाइज बदला है, उसके बारे में अपनी टिप्पणी क्या देना चाहेंगे? इन टुडेज़ टाइम आई थिंक मदर्स एंड डॉटर्स आर मोर लाइक फ्रेंड्स. I mean, with my daughter, Risha, we are like more like buddies. You know, वैसे नहीं जैसे पहले था. My mother, when we were growing up, तो हम मम्मी काफ़ी strict रहती थी और थोड़ी डरी रहती थी कि कोई गलत कदम नहीं हो जाए, कोई कुछ नहीं. तो थोड़ा सा उनको फिक्र रहती थी. Now, मतलब इतना एक्सपोजर है, इतना हम किस किस चीज़ से उनको बचाएंगे बच्चों को. तो यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू लेट देम बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड विच इज़ टुडेज वर्ल्ड. एज लॉन्ग एज की कोई बुरी आदत नहीं हो और कुछ, आई मीन विद माई डॉटर आई बी ओके विद हर, एक्सेप्ट दैट शी शुड डू ड्रग्स. बाकी सब ठीक है. मैम गोल्ड फिश दोस्तों की तरह है. आप डिक्टेट नहीं कर सकते आज बच्चों को. आप ये नहीं कह सकते मैं ये बिलीव करती थी तुम वैसे चलोगे. आप नहीं कर सकते. यू हैव टू लेट देम बी, दे आर देयर ओन पीपल, दे आर देयर ओन आइडेंटिटी. और बहुत जल्दी बच्चे अपनी आइडेंटिटी को एनफोर्स करने लगते हैं, यू नो, एग्जर्ट करने लगते हैं अपनी चॉइसेस को. तो वैसे रहने देना पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई चॉइस नहीं है. बिकम देयर फ्रेंड्स. हम जब बच्चे थे तभी हम मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे खेलना है, बुक है, गाना है, उसमें हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते. पेंटिंग आपका है, तो अभी के बच्चे डिजिटली बहुत एक्टिव हो रहे हैं. वही एक दिक्कत है कि बहुत वो बहुत ज़्यादा नहीं, कम्प्लीटली ही फ़ोन और स्क्रीन में जुड़े रहते हैं, उसी से जुड़े रहते हैं. उनकी दुनिया बस यहीं तक, सारा पूरा बहुत चीज़ों का एक्सपोजर अच्छा है लेकिन अननेसेसरी भी है. जो नहीं चाहिए वो भी है, जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है इस उम्र में वो सब भी है. सो इट्स अ काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम. अगर वो फैमिली मेम्बर्स से रियल में कनेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है. पढ़ें, किताबें पढ़ें, हर वक्त स्क्रीन को देख के अपनी आँखें नहीं ख़राब करें. गोल्ड फिश आपकी फिल्म है, उसके बारे में क्या बताना चाहिए, आपका किरदार और थोड़ा सा कैरेक्टर फ्लो? ये बहुत अलग अंग्रेजी में बनी है क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो लंदन में रहते हैं और मदर है, बेटी है, उनका जो इक्वेशन है, दोनों का जो रिश्ता है उसको एक्सप्लोर करती है फिल्म और कई और इश्यूज को भी एक्सप्लोर करती है थ्रू द सिचुएशन ऑफ डिमेंशिया. उसके थ्रू ये रिश्ते को एक्सप्लोर करती है और रिश्ते के थ्रू डिमेंशिया को भी, यू नो, उसके ऊपर भी लाइट डालता है फिल्म. तो ये जो आजकल बहुत ज़्यादा सब यंगर एज में भी लोगों को भूलने का भूल जाते हैं और ये यंग मतलब 20-30 साल के लोग भी ये सब ये इससे इसकी शिकायत होने लगी है ना सबको कि अरे याद नहीं रहता, भूल जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें अब इस जनरेशन की मसले बन गए हैं तो उनको डील करना पड़ रहा है. पर ये जो इस हमारी फिल्म है, दिस इज़ अबाउट द एल्डरली. हाउ डू डील विद द एल्डरली इन योर फैमिली, इन योर होम? हाउ डू डील विद योर पेरेंट्स हु आर गेटिंग इन टू डिमेंशिया और अल्जाइमर्स? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो फिल्म डील करती है. मैम आपका आप निर्देशन में कुछ हो रहा है या कोई राइटिंग में आपका नया कोई वेंचर चल रहा है? बस मेरी किताब जो नई निकली है कंट्री कॉल चाइल्डहुड, मेरी चौथी किताब है, बस उसी को लेके आजकल मैं बिजी हूँ और मैं सब जगह जाना चाहती हूँ, छोटी से छोटी जगह भी जाना चाहती हूँ किताब को लेके, ताकि इंटीरियर्स में भी लोग पढ़ें. और निर्देशन में कुछ हो रहा है? निर्देशन में सब कुछ नहीं. थैंक यू. किताब को छोड़िए, हम फिल्म तक रहेंगे इस इंटरव्यू में. थैंक यू मैम. फिल्म पर फोकस करेंगे.